ये दूसरी दफ़ा मैं गिलगित बल्तिस्तान उस मौके पे आया हूँ जो एक खुशी का मौका है कि जिधर 73 साल पहले यहाँ के गिलगित स्काउट्स ने अपनी जान की कुर्बानी देके गिलगित बल्तिस्तान को आज़ाद करवाया, तो मुझे आज बड़ी खुशी है कि मैं अब दूसरी दफ़ा फिर दूसरे साल फिर यहाँ आपके साथ खुशी बनाने आया हूँ। और इंशाअल्लाह जब तक मैं वज़ीर-ए-आज़म रहूँगा मेरी हमेशा कोशिश होगी कि ये जो दिन है 1 नवंबर ये मैं आपके साथ गुजारूँ। मैं गिलगित 15 साल की उम्र पे पहली दफा आया, तब ये काराकोरम हाईवे बन रहा था। मैं अपने स्कूल की ट्रैकिंग टीम के साथ आया और वो जब 15 साल से मुझे ट्रैकिंग का शौक हुआ वो आज तक है, और वो इसलिए कि इस सारे इलाके में जो ट्रैकिंग है वो दुनिया में कहीं नहीं। ये वो अल्लाह ने इस इलाके में वो खूबसूरती दी है और इस तरह के जो पहाड़ हैं और उन पहाड़ों के अंदर जो इलाके हैं वो कहीं दुनिया में नहीं है। तो मैं सिर्फ एक मेरा प्राइम मिनिस्टर बनने का एक नुकसान ये हुआ कि मैं अब ट्रैकिंग नहीं कर सकता, लेकिन जब भी मौका मिला तो इंशाल्लाह यहाँ फिर से आऊँगा ट्रैकिंग करने के लिए। ख्वातीन हज़रात, आज एक तो खराज तहसीन पेश करना था गिलगित स्काउट्स को और उन शोदा को जिन्होंने कुर्बानियां देके इस इलाके को आज़ाद करवाया। दूसरा, मैंने आज गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को दूसरी भी मुबारक देनी थी, और वो ये कि जो हमने फैसला किया है कि गिलगित बल्तिस्तान को प्रोविंशियल स्टेटस देना है, जो इनकी डिमांड थी बड़ी देर की, और ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल्स की रेजोल्यूशन के बीच में रखते हुए हमने फैसला किया है। वो सिक्योरिटी काउंसिल की जो रेजोल्यूशंस हैं उसके बीच में हमने फैसला किया है, लेकिन मुझे पता है कि यहाँ के नौजवानों की बहुत देर की डिमांड थी, तो मैं आज उसकी भी मुबारक देता हूँ। अब जहाँ तक पैकेज की बात की और डेवलपमेंट की, वो मैं आज बात इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि इलेक्शंस के दिन है, लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी, ख़ास तौर पे हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है कि अपने कमज़ोर तबके को उठाया जाए, जो हमारे गरीब हैं, जो पीछे रह गए हैं, जो 25% पाकिस्तानी गुरबत की लकीर से नीचे हैं, सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि उनको हम कैसे ऊपर लेके आए, और दूसरी जो पाकिस्तान के इलाके पीछे रह गए, जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान पीछे रह गया है, और उसकी बहुत बड़ी वजह यह थी कि यह कट ऑफ था, जब तक कि काराकोरम हाईवे नहीं बना इधर शायद ही कोई आता था और डेवलपमेंट की चांस नहीं थी, तो इसलिए यह पीछे रह गया है। लेकिन हमारा कबायली इलाका भी पीछे रह गया है, बलूचिस्तान भी पीछे रह गया है, सारे जो मगरबी डिस्ट्रिक्ट्स हैं पंजाब के अंदरून सिंध वो पीछे रह गए हैं, तो हमारी पूरी कोशिश है कि सारे इलाके उनको उठाया जाए, और जो फिर से मैंने कहा जो हमारा कमज़ोर तबका, जो गरीब लोग जो इस वक्त दो वक्त की रोटी सही तरह नहीं खा सकते उनको ऊपर उठाया जाए। तो इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में आप देखते रहेंगे कि हम जिस तरफ जा रहे हैं, हमारी जो सारा डेवलपमेंट का प्रोग्राम है वो जाएगा ही उस तरफ, उन इलाकों में जो पीछे रह गए।
मैं क्योंकि आज मेरे फौजी भी सामने खड़े हैं, जवान सामने खड़े हैं, मैं सारी अपनी कौम को अहमियत बताना चाहता हूं कि कितना जरूरी है एक मजबूत फौज की, एक मजबूत फौज का होना पाकिस्तान के लिए। यह मैं अपनी सारी कौम को भी बताना चाहता हूं। आज अब सारी मुसलमान दुनिया में देखें, शुरू करें लीबिया से, फिर सोमालिया पे जाएं, फिर सीरिया जाएं, फिर यमन जाएं, फिर अफगानिस्तान को देखें, फिर इराक को देखें, तबाही मची हुई है। या जंगें हो चुकी हैं या हो रही हैं, लेकिन अवाम मुश्किल में है, मुश्किलों का सामना कर रहे हैं लोग। और उसके बाद ये देखें कि हमारे मुल्क का जो इस वक्त हमसाया है हिंदुस्तान में, आज वो हुकूमत आई है जो पिछले 73 साल में सबसे ज्यादा इंतहा पसंद, मुसलमानों से और पाकिस्तान से नफरत करने वाली, जो वो हिंदुस्तान में मुसलमानों से कर रहे हैं, जो दो उन्होंने कानून बनाए, सिटीजनशिप लॉ और एक और रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन लॉ, ये है ही मुसलमानों की तरफ कि उनको एक बराबर का शहरी हिंदुस्तान में ना समझा जाए। और जो उन्होंने कश्मीर में किया 5 अगस्त 2019 को, किसी हिंदुस्तान की हुकूमत ने वो नहीं किया कश्मीर के लोगों से, जो इस इंतहा पसंद रेसिस्ट टोटलिटेरियन जो रेशल सुप्रीमेसी में बिलीव करती है, बाकी इंसानों को बराबर नहीं समझती, हिंदुत्वता का जो नारा लेके आई है, उन्होंने जो कश्मीरियों पर जुल्म किया, कभी इस तरह का जुल्म पहले नहीं हुआ। तो उस तनाजर में देखना चाहिए कि कितनी जरूरत है आज हमें एक मजबूत पाकिस्तान की फौज की और सिक्योरिटी फोर्सेस की। कोई हफ्ता नहीं गुजरता जब हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी जान की कुर्बानियां नहीं देते। पुराने कबायली इलाका जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं, आप उधर से लेके आप बलूचिस्तान, कराची में भी कभी कभी एक पूरा प्लान से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की जा रही है। और कौन इनके सामने खड़ा है? हमारे फौजी, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, जो अपनी जान की कुर्बानियां देती है। और हम वो खुशकिस्मत मुल्क हैं कि जो पिछले 15 साल में जिस तरह की 15 साल में दहशतगर्दी पाकिस्तान में हुई, और जो हमारे दुश्मनों ने पूरा फायदा उठाया उससे और हमें डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, हम अपनी आज सिक्योरिटी फोर्सेस को दाद देते हैं कि इनकी वजह से आज पाकिस्तान महफूज है, और इनकी वजह से, इनकी कुर्बानियों की वजह से आज हमारा वो हाल नहीं है जो कई और मुसलमान मुल्कों का हाल है। और हमें यह भी पता है कि ये जो नरेंद्र मोदी की हुकूमत है, ये हर किस्म का अंदर इंतशार सिर्फ दहशतगर्दी के जरिए नहीं, जो इनका कुलभूषण यादव ने जो बताया कि कैसे बलूचिस्तान में और कराची में उसकी मिशन थी दहशतगर्दी करने की, ये अंदर और इंतशार फैला रहे हैं। शिया सुन्नी की लड़ाई प्लान किया हुआ था कि शिया और सुन्नी के आलमों को कत्ल करवाएं ताकि इंतशार फैले, और वो भी हम, मैं आज दाद देता हूं अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज को कि जिन्होंने बहुत इनके जो इनके प्रोग्राम थे इंतशार फैलाने के, वो पाश पाश किए। मैं आज जो आखिर में बात करना चाहता हूं वो एक पूरा एक आज
आजकल के दिनों में एक पूरा प्लान बना हुआ है। हमारे वो लोग जो कि अपने आप को डेमोक्रेट्स कहते हैं, सियासतदान कहते हैं, वो पूरी तरह आज हमारी पाकिस्तानी फौज के ऊपर और पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर उन्होंने पूरा डिस्क्रेडिट करने का उनको प्रोग्राम बनाया। लेकिन ये क्यों है, ये आज सब मैं अपनी कौम को बताना चाहता हूं, ये क्यों हो रहा है। मेरा जो पहला, जब मैं वजीर आजम बना तो जो मेरा पहला खिताब था, अगर आप वो देखें तो उसमें मैंने दो खास तौर पे चीजें कही। मैंने ये कहा कि जिन लोगों ने 30 साल से इस मुल्क को लूटा, 30 साल से इस मुल्क का पैसा चोरी कर करके बाहर लेके गए हैं, ये सब इकट्ठे हो जाएंगे। ये इकट्ठे मेरे खिलाफ इसलिए होंगे कि इनको पता है कि मेरे तो 24 साल की कैंपेन ही ये थी कि इस मुल्क में करप्शन का सामना करें, जब तक करप्शन है मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। और मैंने कहा ये सब इकट्ठे होंगे। और मैंने दूसरी बात कही कि जो जिस चीज में पाकिस्तान का फायदा है उस चीज में इनका नुकसान है, और जिस चीज में इनका फायदा है वो पाकिस्तान को नुकसान है। ये चाहते हैं कि इनकी सारी करप्शन, जो इन्होंने इस मुल्क का पैसा लूट के बाहर लेके गए हैं, ये चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह मुझे ब्लैकमेल करें और मैं इनको NRO दे दूं, यानी कि इनको माफ कर दूं जो इन्होंने इस मुल्क का पैसा चुराया। पाकिस्तान का फायदा एक चीज में है कि यहां कानून की बालादस्ती कायम हो, ताकतवर और कमजोर के लिए कानून बने। ये नहीं कि सिर्फ बेचारे वो लोग जो मजबूरी में चोरी करते हैं वो जेलों में जाएं और बड़े बड़े डाकू उनको NRO मिल जाए और वो दंदराते फिरें और वो बार बार आके फिर मुल्क को लूटें। कानून की बालादस्ती का मतलब कि ताकतवर और कमजोर के लिए एक कानून। अगर ताकतवर चोरी करता है तो उसी को उसी तरह उसको उस तरह एहतसाब हो जो आम आदमी का होता है। तो ये मैंने कहा कि इनका जो इंटरेस्ट है वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ है, और ये आज साबित हो रहा है। सब इकट्ठे भी हो गए हैं और पूरी तरह ब्लैकमेल, पहले उन्होंने मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की माशियत पे, इलेक्शन जी गलत हो गया, हमने कहा खोल दो इलेक्शन, उधर से भी भाग गए। माशियत अल्लाह का शुक्र है कि एक वो मुल्क के छोड़ के गए थे जिसका दिवालिया निकला हुआ था, अल्लाह का करम है कि वो भी सही तरफ लग गया है। उसके बाद कोरोना के ऊपर उन्होंने कोशिश की, आज दुनिया एक्नॉलेज करती है कि जिस तरह पाकिस्तान कोरोना से निकला है शायद ही कोई और मुल्क निकला हो। फिर फैटफ के ऊपर, जो हिंदुस्तान पूरी कोशिश कर रहा था कि पाकिस्तान को फैटफ में ब्लैकलिस्ट करवाएं, उस पर ब्लैकमेल करने की कोशिश की, उसमें भी मैं ब्लैकमेल नहीं हुआ। तो अब इन्होंने पाकिस्तानी फौज की तरफ, पाकिस्तान के आर्मी चीफ, ISI के चीफ के ऊपर अब इन्होंने बंदूकें तानी हुई हैं। पहले तो मैं आज अल्लाह का खास शुक्र अदा करता हूं कि अगर ये ISI के चीफ को और आर्मी चीफ के खिलाफ बात कर रहे हैं, इसका मतलब मैंने बिल्कुल ठीक इनको मुंतखब किया, ये मेरी सिलेक्शन बिल्कुल ठीक थी। क्योंकि अगर ये डाकू उनके खिलाफ बोल रहे हैं इसका मतलब वो ठीक लोग हैं। दूसरी, मैं आप सबके लिए, अपनी कौम के लिए एक चीज कहना चाहता हूं कि आप अगर इस्लाम की तारीख पढ़ें, बरे सगीर में मुसलमानों की तारीख पढ़ें, तो मुसलमान बहुत कम, जब मुकाबला होता था दुश्मन का और मुसलमानों का, डट के मुकाबला करता था मुसलमान। लेकिन नुकसान मुसलमानों को तब सबसे ज्यादा पहुंचाया मुसलमानों के मीर जाफर और मीर सादिक ने। ये वो गद्दार थे जो अंदर से साजिश करके मुसलमानों को, इन्होंने उन कौमों को गुलाम बना दिया सिर्फ जाति फायदों के लिए। कुरान शरीफ में मुनाफिक का दर्जा काफिर से नीचे रखा हुआ है, क्योंकि वो आपका बनने की कोशिश करता है,
वो अंदर से जड़ें काट देता है। जंगे खंदक में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के कुफार का मुकाबला कर रहे थे तो उतना ही बड़ा जितना कुफार की फौज थी, अंदर मुनाफिकीन से खतरा था। और इसलिए अल्लाह ने कहा था कि इनका दर्जा काफर से नीचे है, ये ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। और आज हम पाकिस्तान के मीर जाफर, मीर सादिक और मीर रियाज सादिकों को देख रहे हैं। ये वो लोग हैं जो आज नरेंद्र मोदी की जुबान बोल रहे हैं। दुनिया ने कहा कि जिस तरह पाकिस्तान ने पुलवामा के बाद अपने आप को कंडक्ट किया, मुझे सारे दुनिया के हेड्स ऑफ स्टेट के मुबारकी के मैसेजेस आए। और ये आज कह रहा है कि जनाब पाकिस्तान ने डर के किया, जो कि नरेंद्र मोदी ने सारी इलेक्शन कैंपेन की थी उस पर। और सारा मकसद, इनका मकसद है क्या? सारा मकसद एक है कि किसी ना किसी तरह इमरान खान ब्लैकमेल होके इनकी अरबों रुपए की लूटी हुई दौलत जो बाहर लेके गए हैं वो किसी तरह उसके लिए एनआरओ दे दे, माफ कर दे। मैं आज अपनी सारी कौम को कहना चाहता हूं कि इमरान खान कभी इन डाकुओं को माफ नहीं करेगा, बल्कि जिस तरह इन्होंने हमारी अदलिया को अटैक किया, अदलिया के अंदर भी कोशिश कर रहे हैं कि एक जज को ऊपर चढ़ा दें। जब इनको माफ किया गया हुदैबा पेपर मिल में सुप्रीम कोर्ट ने, तो तब अदलिया ठीक थी, लेकिन जब इनके खिलाफ 5 मेंबर बेंच का फैसला आता है, जो आज बाहर भागा हुआ है, उसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का फैसला आता है, तो तब अदलिया बुरी है। उसी तरह जो फौज के ऊपर प्रेशर डाला हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ कोशिश है कि किसी तरह हम इतने प्रेशर में आए कि हम इनको माफ कर दें। अब तक मेरा पूरा जोर था पाकिस्तान की माशियत ठीक करने का, क्योंकि हमारे मुल्क की माशियत का बहुत बुरा हाल था। माशियत के ऊपर अभी भी मैं जोर लगाऊंगा। यह मैं आप सबको कह दूं कि अभी भी इंशाल्लाह माशियत पे जोर लगा रहे हैं, क्योंकि वो अल्लाह का करम है, सही तरफ निकल गई है। लेकिन अब मैं कानून की बालादस्ती के ऊपर उतना ही जोर लगाऊंगा। जो स्टेट के इदारे हैं, इनको अब मैं खुद देखूंगा कि इस मुल्क में कानून की बालादस्ती कायम करे। और ये जो ताकतवर, इस मुल्क के ताकतवर मुजरिम, ये जो इस मुल्क को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको कानून के नीचे लेके आए। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि किसकी टांगें कांपती हैं और किसके माथे पे पसीना आता है, ये सारी कौम देखेगी। शुक्रिया।